रहटी नगर के वार्ड नंबर 9 मंडलोई कॉलोनी में 45 वर्षीय सुनीता साहू अपने ही घर में मृत अवस्था में मिली, जिसका शरीर एवं सिर पर चोट के निशान थे और निशान को देखने के मामला यह प्रतीत होता था कि हत्या का है। रहटी पुलिस के लिए दिन दहाड़े हुई हत्या की घटना एक चुनौती बनी हुई थी। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में SDOP बुधनी शशांक गुर्जर, थाना प्रभारी राजेश खारे के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मुखबिर की सूचना साइबर सेल के विश्लेषण कर पुलिस ने मृतक महिला के पुत्र महेंद्र साहू को अहमदाबाद गुजरात के लिए जाते हुए भेरुदा बस स्टैंड में पकड़ा है। आरोपी से पूछताछ के दौरान अपनी मां के चाल चलन पर परेशान होकर हत्या करना स्वीकार किया गया है। हत्या खाट के पाए को सिर पर मारकर की गई थी एवं घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त कर रहटी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उक्त हत्या का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार करने पर आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जगा है। पुलिस अधीक्षक सिरोर द्वारा उक्त हत्या के प्रकरण के पर्दाफाश करने पर इनाम की घोषणा की गई है। कल लगभग 3 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि रेड्डी में एक अज्ञात महिला का शव प्राप्त बरामद हुआ है। जब पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंच के जांच पड़ताल की तो पाया कि जो महिला है वो दिगवाड़ ग्राम दिगवाड़ थाना रेड्डी की निवासी है, और जब घटना स्थल का निरीक्षण करके पूछताछ की आसपास के लोगों से तो पाया गया कि उसका जो लड़का है, खुद का बेटा है, वो घटनास्थल से पहले मौजूद था पहले, और उस दिन के बाद से वो गायब है। तो CDR और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर और पूछताछ की गई और साक्ष्य तलाशे गए तो उसमें पाया गया कि जो उसका लड़का है वो अपनी माँ के चाल चलन से थोड़ा परेशान था और उसको ये आशंका थी कि उसके परिवार में जो और अन्य बहनें भी हैं वो भी आगे जाके उसके अपने माँ की मजबूरी में या किसी व्यवस्था के कारण इसी राह पे चल सकती हैं, तो उसी कारण अपनी माँ के चाल चलन से परेशान होकर उसने अपनी माँ की हत्या करने का निर्णय लिया था। और वो बहुत टाइम से, बहुत समय पहले भी इस पर मन बना चुका था, बट पहले किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और इसने परसों 20 तारीख को सुबह मौका पाकर अपनी माँ की घर में ही जो उसकी चारपाई का जो पाया था उससे सर पे मार के हत्या कर दी। 24 घंटे के अंदर रेड्डी पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है, तो इस बार पुलिस अधीक्षक ने भी कोई इनाम की घोषणा? बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक महोदय का उस पर लगातार हमें निर्देशन और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और पूरी टीम को उनकी तरफ से बधाई भी दी गई है। और रेड्डी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही जो आरोपी था उसको अपनी सूझबूझ से गुजरात में जो था गुजरात से बुला के उसको पूछताछ की और पूरे अंधे कत्ल का खुलासा किया। उसमें क्या मानेंगे? ऐसा उसको कई लोगों ने कहा था कि उसकी जो गतिविधियां हैं वो ठीक नहीं है, उसके माँ की, तो वो भी बहुत परेशान था और वो चाहता था कि उसकी माँ इस तरह की गतिविधियों में ना रहे, तो उसी कारण वो मानसिक तनाव और परेशानी के कारण उसने बदनामी के कारण उसने अपनी माँ की। Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590-99073-17817 or you can visit us on the address Mount Era Convent School near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.